इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बैंगलोर में बीजेपी के दफ्तर के बाहर ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट की वजहों का भी पता नहीं चल पाया, लेकिन ब्लास्ट के धमाके से कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं। कई गाड़ियों में आग लग गई है। दो कारें और एक बस आग में बुरी तरह जल गए हैं। आसपास की दुकानों को भी धमाके की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है। ठीक बीजेपी दफ्तर के बाहर ये ब्लास्ट हुआ। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर जमी हुई हैं। पुलिस ने धमाकों की जांच शुरू कर दी है। सुराग तलाशने के लिए खुफिया कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। अभी यह तय नहीं हो पाया है कि यह आतंकी वारदात है या कोई एक्सीडेंट है। जो हमारे सूत्र हैं पुलिस महकमे में, उनके मुताबिक कोई भी कमेंट करना अभी जल्दबाजी होगी। हालांकि यह एक्सीडेंट ज्यादा लग रहा है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। छानबीन में पुलिस लग गई है। तथ्यों को जुटाया जा रहा है। ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि ये ब्लास्ट क्या मकसद क्या था और कौन था इसके पीछे। बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहर बैंगलोर में ये ब्लास्ट हुआ है। आज कर्नाटक विधानसभा के लिए नामांकन भरने का आखिरी दिन भी है।